साल बहुत एक्साइटेड होता हूँ पापा को जब घर लेके आते हैं। आई थिंक पहली बात तो वो अपने आप डिसाइड करते हैं उन्होंने कब आना है। सो आई थिंक वो आए हैं और हर साल मैं वेट करता हूँ ये 2 दिन कब आएंगे, बिकॉज़ ये 2 दिन मैं बिल्कुल शूटिंग नहीं करता और बस पापा की सेवा में लगता हूँ। सो बड़ी खुशी है पापा ने इस साल भी ग्रेस किया है यहाँ पे आके। नहीं, हाथों से तो नहीं किया यार, काश मैं इतना बड़ा आर्टिस्टिक इंसान होता कि इतनी फूलों की अच्छी सजावट कर पाता। बट हाँ, ये आइडियाज़ हमारे होते हैं, मैं और मेरी वाइफ हम जनरली डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हम पप्पा का घर जा रहे हैं। और पप्पा हमारे हमेशा इको फ्रेंडली रहते हैं, तो बड़ी खुशी है इस बार भी इको फ्रेंडली पप्पा हैं। और विसर्जन भी घर पर ही होता है बकेट में, और जो पानी होता है वो हम नीचे पौधों में डालते हैं। तो यही चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी जो हैं बहुत सारे अब ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं इस बात को, इको फ्रेंडली गणपति, और आगे भी चाहते हैं कि दोस्त और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, वो ट्राई करें और आगे जाके इको फ्रेंडली गणपति जी घर लेके आए। यार फुल ऑन हंगामा होता है, मेरा पूरा परिवार दिल्ली से हमेशा यहाँ पे आता है, सारे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो खूब खाना पीना मज़े बातें, सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बस 10 बजे तक आओ या 11 बजे तक आओ, घर का दरवाज़ा खुला है, जिसका मन है वो आ जाता है और सुबह 5-6 बजे तक हंगामा लगा रहता है। या कोई ऐसी यार खास विशेष रहती है मनीष की पापा से? मेरी बहुत स्पेशल विशेज़ रहती हैं, मैं ये बात डिनाई नहीं करूँगा। मैं बहुत ग्रीडी हूँ जब मैं मांगने पे आता हूँ, और मैं दिल खोल के पापा से मांगता हूँ, और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करता। मैं इनके साथ, मेरा एक एक्सक्लूसिव 1 घंटा होता है जब मैं इनके साथ बैठता हूँ, और मेरी खूब अच्छी कॉन्वर्जेशन इनसे रहती है, और मैं बहुत चीज़ें इनसे मांगता हूँ, एंड थैंकफुली ये हमेशा ग्रांट भी करते हैं। सो फील्स हैप्पी। देखिए मैं कोई एक बात नहीं कह सकता, आज जो भी मुझे मिला है, जितना भी मिला है, लोगों का प्यार मिला है, ये सब इन्हीं से मांगा है। लोग कहते हैं मैं स्टेज पे जब होता हूँ अच्छा काम करता हूँ, उन्हें फिल्में भी पसंद आ रही हैं, सो आई थिंक वो सब इन्हीं की देन है। मैं कुछ नहीं करता यार, यहाँ से बस इस 2 दिन में मैं फुल एनर्जी लेता हूँ और आप तक ले आता हूँ। सो यही है कोई आप शेयर करना यार, चाहेंगे तो? मैं तो यही कहता हूँ, मैं आई एम ये चमत्कार ही है जो हो रहा है, ये इतना जो लोगों का प्यार मिल रहा है चमत्कार है, इतना टचवुड जो काम है वो चमत्कार है। सो आई थिंक ये मैं चमत्कार ही जी रहा हूँ। सो आई थिंक ये चमत्कार एक नहीं है, आई थिंक मेरा हर हर मोमेंट जो है लाइफ का, जो हर दिन मैं बिताता हूँ, वो एक चमत्कार है, और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इसे। मैं सब कुछ खाना पसंद करता हूँ आज के दिन, बिकॉज़ मेरी मम्मी आई होती हैं, और मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, सबकी मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, पर मुझे लगता है मेरी मम्मी बेस्ट बनाती हैं। तो मम्मी जो हैं वो खाने बनाती हैं, हलवा बनता है, खूब मिठाइयाँ होती हैं। तो ये 2 दिन मैं बिल्कुल डाइट भी नहीं करता हूँ, मेरा ट्रेनर मुझे बहुत नाराज़ भी होता है मुझसे इस बात पे, बट आई थिंक ये 2 दिन मैं फुल ऑन इन्जॉय करता हूँ और खूब खाता पीता हूँ। यार बप्पा बहुत बहुत करीब हैं, और इसलिए हर साल मैं वेट करता हूँ ये 2 दिन की, एंड यही चाहता हूँ बप्पा बस हर साल इसी तरह मेरे घर आते रहें। और मैं इनफैक्ट सबके लिए प्रे करता हूँ, पूरी इंडस्ट्री के लिए प्रे करता हूँ, मेरे सारे दोस्तों के लिए प्रे करता हूँ, जो लोग मेरे आसपास हैं सबके लिए प्रे करता हूँ। और फिलहाल तो मैं आप लोगों के लिए, ये जो दर्शक हैं, इनके लिए प्रे करना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आप मेरे घर बप्पा के दर्शन के लिए आए, और आपके घर वालों की, आपकी, आपके दोस्तों की कोई भी प्रॉब्लम हो, बप्पा उसे दूर करें, और आप सब हमेशा सुखी रहें। एंड इसी के साथ गणपति बप्पा मौर्य। थैंक यू।